हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको ये देखिए, ये जो वर्क वाले सूट की नेक की लेंथ शॉर्ट आती है, इसको लॉन्ग करना सिखाएंगे। देखिए यहाँ हमारे जो नेक की लेंथ है वो 4 इंच है। यहाँ हमें इसको लेंथ को बढ़ाना है। ये देखिए इसकी चौड़ाई 7.5 इंच है। ये हमने इस तरह इसी सूट का ये फैब्रिक लिया है। यहाँ इसको हम ऊपर अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने उतना ही इंच इसकी लेंथ ली है इस फैब्रिक की, एक्स्ट्रा फैब्रिक की, जितने मुझे इसको बढ़ाना था। इस तरह से आपको जितना भी लेंथ बढ़ानी हो उतनी ही इंच का फैब्रिक लेके आप इस तरह से अटैच करके उसको बढ़ा सकते हैं। इस तरह से इसको पलट दिया है। ऐसे पलटने के बाद अब हम देखेंगे इसकी लेंथ कितनी हो गई है। ये अब इसकी 6 इंच की लेंथ हो गई है। ये देखिए ये अब बढ़ गया है, इसका 6 इंच लेंथ हो गया है। अब इसको इस तरह से लाइनिंग पे रखेंगे। इस तरह से इसको हम इस पे रखेंगे। और यहां से कट करेंगे इसके साथ साथ। हमने इसकी कटिंग करने से पहले इसकी लेंथ, जो नेक की लेंथ थी वो बढ़ा ली थी। ये देखिए इसके साथ साथ लाइनिंग के साथ साथ इसको पूरे को कट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ तक इसको कट कर लेंगे। अब हम इसके साथ जो नेक है वो पलटेंगे लाइनिंग के साथ। अब हम सीधे पे इस तरह से लाइनिंग रखेंगे। हमने जो हमारा मेन फैब्रिक था उसका सीधा हिस्सा लिया है और इस तरह से इसको सेंटर से अटैच करेंगे। और अब ये देखिए यहाँ से इसके साथ साथ अब यहाँ से इसको देखिए स्टिच करेंगे। ब्रॉडनेस भी आप इसकी थोड़ी सी हल्की सी घटाया बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको उतना ही ब्रॉड रखा है जितना इसका था। ये अब यहाँ इसको साथ साथ स्टिच कर लेंगे। जो हमारा वर्क हुआ है उसके साथ साथ हम स्टिच करते हुए चले जाएंगे। और ऊपर तक इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से बढ़ाई हुई जो लेंथ है वो हमारे सूट में दिखती भी नहीं है और सूट की हमारी लेंथ भी बढ़ जाती है। ये देखिए ये हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेंगे। इस पे पूरे पे कट कर लेंगे। हल्के हल्के नोचिस लगा लेंगे इसमें। इस लाइनिंग को अब जो दूसरी साइड है उसमें पलट देंगे। दूसरी साइड को ये इस तरह से जो लाइनिंग हम अटैच करते हैं इसमें नेक बड़ी फिनिशिंग से साथ पलट जाता है। इस तरह से एक साइड रखते हुए पूरे फैब्रिक को और साथ साथ स्टिच लगा लेंगे ताकि आराम से अंदर की साइड बैठ जाए।
ये नीचे वाले कपड़े को हम ऐसे बाहर की साइड रखेंगे। ध्यान रखना है नीचे का फैब्रिक सारा हमारा एक साइड में होना चाहिए और देखते हुए पूरे पे स्टिच लगाएंगे। ये हमारा नेक तैयार हो चुका है। ये हमारा बड़ी फिनिशिंग के साथ देखिए लाइनिंग भी, देखो लाइनिंग भी अटैच हो गई है। ये हमारी रॉन्ग साइड है, ये हमारी फ्रंट साइड है। ये देखिए प्रॉपर से बैठ चुका है हमारा गला। अब इसके एक किनारे से सिलाई और लगाएंगे ताकि ये यहाँ से निकले ना और हमारा यहाँ से पक्का हो जाए, अच्छे से फिक्स हो जाएगा ना, तो निकलेगा नहीं। इस तरह से पूरे पे स्टिच कर लेंगे। यहाँ जहाँ मोती आते हैं वहाँ आप अपनी निडल की सेटिंग के अकॉर्डिंग ही स्टिच करेंगे, नहीं तो हमारी अगर जो आप पंजा उठा के नहीं चलाएंगे तो निडल टूट जाएगी, आपको यहाँ उठाते रहना पड़ेगा।